हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स फंडा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्पेशल सीरीज़ फॉर CDS। इसमें हम क्या कवर करेंगे? जो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ काफ़ी न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। इसका रहेगा आज पार्ट 1। लास्ट टाइम देखा था UNHRC से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो इस तरह से CDS हमेशा जो बॉडीज़ जो है न्यूज़ में रहती हैं उस पर जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको हम अलग से कोशिश करेंगे कवर करने की। आपको भी कोई ऐसी बॉडी के बारे में पता हो जो काफ़ी न्यूज़ में रही है तो आप नीचे ज़रूर बताइए, फिर हम क्या करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग आपके साथ डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे साथ अभी भी सिर्फ 5 से 10 हज़ार लोग जुड़े हैं। CDS का पेपर 2 से 2.5 लाख जनता हमेशा भरती है। अपने साथ वालों की मदद कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी CDS के पेपर में ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में सहायता मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले कवर करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अभी अभी उर्जित पटेल जी ने रिज़ाइन दे दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से, और 25th गवर्नर अपॉइंट किया गया है शक्तिकांत दास को। काफ़ी RBI चर्चा का विषय रहा है, तो RBI को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि कैसी इसकी फॉर्मेशन हुई और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें RBI के बारे में पता होने चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसमें जो हमारे लॉसेस हुए थे, फाइनेंशियल लॉस हुए थे, तो उसको देखते हुए प्लस उस वक्त तक वर्ल्ड वॉर 1 जब तक हुई थी यानी कि 1920 तक, ये कंडीशन थी कि भारत में सिर्फ प्राइवेट बैंक थे, प्राइवेट, और ऊपर से वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान काफ़ी नुकसान भी हो गया था, तो इसके रिलेटेड इन प्राइवेट बैंक्स पर कोई कंट्रोल करने के लिए कोई बैंक चाहिए था। इसलिए अंग्रेजों ने 1920 में एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, इनको काम दिया था कि एक ऐसी गवर्निंग बॉडी बनाना जो इन प्राइवेट बैंक्स के ऊपर ध्यान रख सके। हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में ये कहा था RBI के बारे में कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाएगा जो सारे प्राइवेट जितने भी बैंक्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करेगा। हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में ये कह दिया। उसके बाद आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। उसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई, स्थापना की गई। इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? हिल्टन यंग कमीशन ने। और एस्टेब्लिश कब हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये एस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। अब क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस वक्त तक प्राइवेट था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का क्या मतलब है, यहाँ पे लग गया एक्ट वर्ड। एक्ट का मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अलग से पावर्स दे दी गई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब एस्टेब्लिश हुआ तो इनके पास थे टोटल 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़। और 5 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसने इन्वेस्ट किए थे? प्राइवेट कंपनीज ने, प्राइवेट शेयर होल्डर्स ने। उस वक्त तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो एक प्राइवेट एंटिटी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो इसके हेडक्वार्टर थे जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई वो थे कलकत्ता में, कोलकाता में, कोलकाता में। लेकिन 1937 में इसके हेडक्वार्टर चेंज कर दिए गए और तब से लेकर अब तक इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई में। अब आगे देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, ये बुक थी, किसने लिखी थी? B.R. अंबेडकर ने, B.R. अंबेडकर ने। आपको ये पूछी जा सकती है, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, B.R. अंबेडकर जी ने ये बुक लिखी। इसी पे बेस्ड था हमारा RBI एक्ट 1934, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो किस बुक पर बेस्ड था? वो बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये लिखी थी B.R. अंबेडकर जी ने। इसके अलावा आपने याद रखना है 1948 जून तक ये पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था, सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का भी। उसके बाद जून 1948 में
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन गया था, उसके बाद पाकिस्तान से नाता खत्म हो गया। इसके अलावा 1947 तक ये बर्मा का भी सेंट्रल बैंक रहा है, बर्मा का भी सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहा है 1947 तक। बीच में 1942 से 45 तक जापान ने बर्मा को अक्वायर कर लिया था, उसके बीच में इसने फंक्शनिंग नहीं की बर्मा के सेंट्रल बैंक की तरह। लेकिन उसके अलावा 1935 से लेकर 1947 तक, इंडिपेंडेंस तक, इंडिया के इंडिपेंडेंस तक, इसने बर्मा का भी सेंट्रल बैंक की तरह काम किया है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब इसके बाद क्या दिक्कत हुई, 1947 में हो गया देश आजाद। अब क्या दिक्कत हुई कि देश का आजाद तो हो गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था इंडिया की डेवलपमेंट करना। अब क्या हुआ, उस वक्त जो ज्यादा लोग थे, 90% लोग कहाँ रहते थे, गांवों में रहते थे, विलेजेस में रहते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि बैंक जो नए खुलेंगे वो कहाँ खोलो, सिटी की बजाय गांवों में खोलो, विलेजेस में खोलो। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या था उस वक्त, प्राइवेट था। और अगर आज भी आप देखो, आप किसी प्राइवेट बैंक की आप जो शाखाएं देखोगे वो कहाँ मिलेंगी आपको, सिटीज में, क्योंकि उनका ये बिजनेस है, उन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो यही उस वक्त भी था, प्राइवेट बैंक्स तो थे लेकिन वो सिटीज में थे। अब वो गांवों में पहुंचते तो फिर लोगों के लिए कुछ जो था किया जाता। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा, वो गए प्राइवेट बैंक के पास, उन्होंने प्राइवेट बैंकों को कहा, फोर्स करना शुरू किया कि आप विलेजेस में अपनी ब्रांचेस खोलो। प्राइवेट बैंक ने क्या कहा, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम आरबीआई के अंडर आते हैं, आरबीआई के, आरबीआई एक्ट 1934 के, जैसा आरबीआई कहेगा वैसा हम करेंगे। और उस वक्त क्या था, आरबीआई भी प्राइवेट था, तो इस वजह से आरबीआई भी जो था वो प्राइवेट बैंकों की साइड ले रहा था। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चल गया, अगर वो आरबीआई को कंट्रोल करेंगे तभी वो बैंकों पर कंट्रोल कर पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया, आरबीआई को नेशनलाइज, इसका यही मतलब है, इससे पहले आरबीआई प्राइवेट था, 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया। इस तरह से 1 जनवरी 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया। आगे देखते हैं, अब जो आरबीआई की मेन फंक्शनिंग होती है वो चलाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें होते हैं टोटल 21 मेंबर, 21, 21 में से एक होता है हमारा आरबीआई का गवर्नर, चार होते हैं डिप्टी गवर्नर, दो होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री जिनको अपॉइंट करती है, दो ऐसे मेंबर। इसके अलावा जो हमारे चार जोन्स हैं, आरबीआई के चार जोनल हेडक्वार्टर हैं, उनके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं इसका पार्ट, चार मेंबर्स वो हो गए। ये कितने हुए, टोटल कितने हो गए, 11, और 10 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स में जो ऊंची ऊंची पोस्टों में, अलग अलग बैंकों के काफी हाई फाई पोस्टों पे हैं, वो हो सकते हैं उन 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स में। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है, काफी अच्छे बिजनेसमैन है, उनको भी इसका पार्ट बनाया जा सकता है, या जो काफी तगड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी इस 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स में जगह मिल सकती है। अब जो बहुत ही ज्यादा अच्छे बिजनेसमैन है, इसी वजह से है क्योंकि उनमें कोई ना कोई काबिलियत होगी, अगर उनसे हमें फायदा लेना है तो इन 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स में उनको हिस्सा दिया जा सकता है। तो इस तरह से टोटल मेंबर्स जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के होते हैं वो होते हैं 21। एक हो गया आरबीआई का गवर्नर, चार डिप्टी गवर्नर, दो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है, इसके अलावा जो चार हो गए जो जोनल हेडक्वार्टर्स है आरबीआई के, उनके जो चेयरमैन है वो, और उसके अलावा 10 नॉमिनेटेड मेंबर। तो आगे देखते हैं आरबीआई की मेन फंक्शन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो बाहर का पैसा है उसको कौन रखता है अपने पास, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो कौन अपने पास रखता है संभाल के, वो रखता है आरबीआई। इसके अलावा आरबीआई का क्या काम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो जारी करता है वो भी कौन करता है, आरबीआई करता है। ये है आरबीआई का प्रियम्बल। इससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। इसमें लिखी है आरबीआई की फंक्शनिंग। आपको क्वेश्चन आ सकता है
कि आरबीआई क्या क्या काम करता है, तो इसलिए एक बार इस प्रियम्बल को गो थ्रू कर लीजिए। सबसे पहले, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, यानी कि जो बैंक के नोट्स होते हैं उनको सप्लाई करना, दूसरे बैंकों तक पहुंचाना, उसको छापना, ये किसका काम है? आरबीआई का। एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, यानी कि इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल में रखना, पैसा जो है ज़्यादा मार्केट में नहीं आना चाहिए इसका ध्यान रखना, रिजर्व जो है अपने पास सिक्योर रखना, ये किसका काम है? आरबीआई का। इसके अलावा जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, यानी कि जो करेंसी है इंडिया की और क्रेडिट सिस्टम है कंट्री का, उसका बेस्ट यूज करना ताकि इंडिया की ग्रोथ में मदद हो सके। इसके अलावा टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जैसे नए नए प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा जो है तरक्की कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज जो है उनको चेंज करता रहे, ये काम है आरबीआई का। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, प्राइसेस में ज़्यादा उछाल या गिरावट ना देखी जाए, ये भी किसका काम है? आरबीआई का। वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है जो चीज़ कि ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, कि इंडिया की ग्रोथ हो, ये सारे काम करने हैं इंडिया की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, तो ये जो मेजर काम है। इसके अलावा आरबीआई को कहा जाता है बैंकर्स बैंक, जो हमारे दूसरे बैंक है, जो हमारे बैंक है गवर्नमेंट बैंक, उनको जब लोन की जरूरत होती है वो कहां से लेते हैं? आरबीआई से लेते हैं, इसी वजह से उन्हें कहा जाता है बैंकर्स बैंक। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी जब पैसे की जरूरत होती है तो वो कहाँ से लेती है? आरबीआई से लेती है, आरबीआई से। बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है, याद रखनी है। तो चलिए चलते हैं आगे, अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? अब जैसे हम आम लोगों को जब पैसा चाहिए होता है, हम बैंकों के पास जाते हैं, लोन लेते हैं, उनके पास कुछ अपनी कॉमोडिटीज जो है रखते हैं, उसके बदले में वो क्या देते हैं? हमें लोन देते हैं या उनको कोई सिक्योरिटी देते हैं। इसी तरह से जब हमारे बैंकों को लोन चाहिए होता है, वो किसके पास जाते हैं? उनको पैसा चाहिए होता है, वो जाते हैं आरबीआई के पास। और आरबीआई जब उनको जो पैसा देता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उसको कहते हैं रेपो रेट। अब वो कैसे देता है? अब बैंकों को आरबीआई से पैसा चाहिए तो उसके बदले में वो कुछ रखेंगे भी उनके पास, आरबीआई के पास। तो अब जैसे उनको 100 करोड़ रुपया किसी बैंक को चाहिए, तो वो क्या करेगा? उनके पास जो शेयर है किसी भी बैंक के, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 100 करोड़ चाहिए आरबीआई से, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास शेयर्स होंगे, उसके अलावा गोल्ड होगा, तो वो क्या करेंगे? 100 करोड़ का गोल्ड या शेयर्स आरबीआई के पास रखेंगे। सपोज रेपो रेट चल रहा है 10%, सपोज 10%, यानी कि बाद में आरबीआई तो उनको 100 करोड़ दे देगा, 100 करोड़ आरबीआई को दे देगा, लेकिन बाद में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना होगा, जैसे हम लोन चुकता करते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10% रेपो रेट के हिसाब से वो शेयर अपने तभी वापस ले पाएंगे जब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 100 करोड़ के बदले 110 करोड़ देंगे। तो इस तरह से होता है रेपो रेट। हमारे गवर्नमेंट बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से, कैसे? उनके पास अपने शेयर्स या गोल्ड वगैरह रखकर, और बाद में जितना इंटरेस्ट है उसके उतने ही पैसे ज्यादा देकर वही चीज आरबीआई से वापस ले लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट, अगर आरबीआई को पैसे लेने हो किससे? हमारे जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनसे, वो जिस इंटरेस्ट पर लेंगे पैसे उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो होती है कि आरबीआई ने अपने पास कितना कैश रखना है, कितना कैश रखना है आरबीआई या बाकी भी गवर्नमेंट बैंक जो है वो अपने पास एटलीस्ट कितने परसेंट कैश रखें, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। अब जैसे टोटल पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है 100 करोड़, ठीक है, तो आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है कि एटलीस्ट एसबीआई के पास 4% कैश रिजर्व रेशो होनी चाहिए, यानी कि 100 करोड़ के पीछे एटलीस्ट 4 करोड़ ऐसा होना चाहिए जो उनके पास कैश में हो, बाकी पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कोई नीड आ गई, लोगों को लोन चाहिए या लोगों के पैसे वापस करने हैं, तो एटलीस्ट कैश रिजर्व रेशियो में कितना पैसा होना चाहिए, जो लिक्विड कैश हो वो कितना हो, ये जो परसेंटेज है ये भी कौन तय करता है?
ये भी तय करती है आरबीआई कि किसी बैंक के पास एटलीस्ट कितना कैश रिजर्व रेशियो होनी चाहिए। वो सारा ही सारा पैसा शेयर्स में, मार्केट में बैंक इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं आरबीआई की सब्सिडरीज। आरबीआई की सब्सिडरीज कौन सी बॉडी है? एक तो है नेशनल हाउसिंग बोर्ड। नेशनल हाउसिंग बोर्ड का क्या काम है? नेशनल हाउसिंग बोर्ड जो है, होम लोन कितनी दरों पर, कितने इंटरेस्ट रेट पर लोगों को मिलेगा, वो काम करती है नेशनल हाउसिंग बोर्ड। अगर नेशनल हाउसिंग बोर्ड ना हो तो ये जो गवर्नमेंट बैंक है अपने अकॉर्डिंग होम लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके पास तैयार करे। आपको अभी 8 या 10 या 12% पे अगर होम लोन मिल रहा है तो ये गवर्नमेंट बैंक तो अपनी मर्जी से तुमसे इंटरेस्ट जो है चार्ज करना शुरू कर दे। इस वजह से आरबीआई की सब्सिडरी है जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड है वो ध्यान रखती है कि कितना होम लोन का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बैंक जो है वो आपसे ले सकते हैं। इसके अलावा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अब ये क्या है? ये कॉरपोरेशन बनाई गई है। अब जैसे पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया बैंक के पास, पब्लिक ने किया बैंक के पास, बैंक ने आगे इन्वेस्ट किया ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो सके, लेकिन कल को अगर बैंक का नुकसान हो जाता है, बैंक का नुकसान हो जाता है और उसका दिवालिया निकल जाता है, तो इसका मतलब पब्लिक के भी पैसे डूब गए। तो पब्लिक को विश्वास दिलाने के लिए कि उनका पैसा ना डूबे, उसके लिए गवर्निंग बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। आप लोग जब भी कोई बैंक खाता खुलवाते हो, चाहे प्राइवेट बैंक में खुलाया हो चाहे सरकारी बैंक में खुलाया हो, तो आपको एक इंश्योरेंस उसी वक्त मिल जाती है। उस जो आपको कॉपी मिलती है उस पे लिखा होता है कि आपको इंश्योरेंस मिली है किससे, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से। यानी कि कल को अगर बैंक का दिवालिया निकल गया तो आपको पैसे कौन देगा, उसकी इंश्योरेंस किसने की है? वो की है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने। और ये किसकी सब्सिडरी है? आरबीआई की। लेकिन जानने वाली ये बात है कि ये जो इंश्योरेंस करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक करते हैं। यानी कि अगर कल को बैंक का दिवालिया निकला तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया मिलेगा। और ये कितने पैसे आपको देंगे? 10% आपकी मनी के। 10% अगर आपके 10 लाख होंगे बैंक में तो फिर जाके आपको 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलेगी, 1 लाख आपका वापिस होगा। अगर बैंक में है आपका 1 लाख तो ये आपको देंगे 10,000 अगर कल को बैंक का दिवालिया निकल गया, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है, जिसको गवर्न करती है, जो सब्सिडरी है आरबीआई की, वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। यानी कि ये जो नोट छापने का काम है ये करती है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, और ये भी है आरबीआई की सब्सिडरी। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में, ये आपने याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण नोट छापती है, ये कहाँ कहाँ छापती है? एक है नासिक, नासिक, देवास, इसके अलावा मैसूर और सालबोनी। सालबोनी, ये चार जगह है जहां इंडिया में नोट छपते हैं। नासिक है महाराष्ट्र में, सालबोनी जो है वेस्ट बंगाल में, मैसूर है कर्नाटका में और देवस है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो आपने याद रखना है, ये जो नासिक और देवस है ये कहाँ है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण के अंडर नहीं आते। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण की जो दो शाखाएं हैं वो कहाँ पर है? एक है मैसूर में और एक है सालबोनी में। और ये नासिक और देवस वाली शाखाएं हैं जहां पे नोट छपते हैं, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। और ये जो सालबोनी और मैसूर है ये अंडर है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण के, और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी। इसके अलावा जो हमारे कॉइन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं नोएडा में, कोलकाता में, कोलकाता, कोलकाता, हैदराबाद, हैदराबाद और मुंबई, और मुंबई में, मुंबई में। तो ये चार जगह है जहां हमारे कॉइन बनते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर कितनी है सबसे ज्यादा कॉइन बनाने की, यानी कि किस डिनोमिनेशन का कॉइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा से ज्यादा बना सकता है, वो है 1,000 का। अभी तक तो सबसे ज्यादा 10 रुपए का कॉइन मार्केट में आया है। इसके अलावा अगर आरबीआई चाहे तो 1,000 रुपए तक का कॉइन बना सकता है।
और अगर आरबीआई का पूछो कि वो कितने डिनोमिनेशन तक का नोट बना सकता है, अभी मैक्सिमम आया है 2000 का, लेकिन आरबीआई के पास पावर है कि वो 10,000 रुपये तक का नोट जो है बना सकता है। इसके अलावा अगर आपने नोट जो हमारे कॉइन है वो पहचानने हो कि कहाँ पे बने हैं, वो कैसे पहचानोगे? अगर किसी कॉइन के बैक साइड पर डॉट हो, डॉट, तो वो जो कॉइन बना होता है वो बना होता है नोएडा में। अगर उसके पीछे जो है डायमंड बना हो तो वो कॉइन बना होता है मुंबई में। इसके अलावा अगर स्टार बना हो कॉइन के पीछे तो वो बना होता है हैदराबाद में। और अगर कॉइन के पीछे कुछ ना हो तो वो बना होता है कॉइन कोलकाता में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।